हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरे चैनल में आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं LED इंडिकेटर सिस्टम यामाहा ग्लैडिएटर या यामाहा SS125 पे। टुडे आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द LED इंडिकेटर सिस्टम ऑन टू माई ग्लैडिएटर और SS125। दिस इज़ अ 10-year-old मोटरसाइकिल दैट आई हैव बीन ओनिंग एंड द इंडिकेटर दैट यू सी फिटेड ऑन द बाइक और फिटेड ऑन द फेयरिंग इज द ओरिजिनल वन दैट केम फ्रॉम द कंपनी। येस, इट्स द स्टॉक वन, आई नेवर मैनेज टू ब्रेक इट। Like you observed, I removed the original indicator by removing the plastic plate and then pulling out the rubber part of the indicator. This is the original Yamaha replacement accessory indicator or LED indicator that Yamaha produces for FZ25 as an accessory. Fortunately, all Yamaha bikes have the same indicator mounting point. Hence, you can mount this indicator to any Yamaha motorcycle. So, I am using the same indicator system onto my Gladiator. हर यामाहा मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर माउंटिंग पॉइंट है वो सेम होता है, इसलिए आप इसको किसी भी यामाहा के मोटरसाइकिल पे लगा सकते हो और ये बिल्कुल डायरेक्ट फिट होने वाला है, आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल द इंडिकेटर इज टू इंसर्ट द रबरी पार्ट ऑफ द इंडिकेटर इन टू द माउंटिंग पॉइंट। दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व आई हैड अ हार्ड टाइम पुटिंग इट इन। आई यूज स्क्रू ड्राइवर, बट मेक श्योर यू डू नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर एज इट्स रबर एंड इट्स गोना गेट डैमेज्ड वेरी इजिली। इसको अंदर डालते टाइम थोड़ा प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, बट ज़्यादा जोर मत लगाइए क्योंकि ये रबर है और डैमेज हो सकता है स्क्रू ड्राइवर के हेड से, इसलिए ध्यान से इसको इंसर्ट कीजिए। There is a small request to all of you who watch my videos, please subscribe to my channel if you are new to the channel, because most of the viewers of my channel are not subscribed or do not consider subscribing even though they watch the videos. आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बार आप वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज एंड प्लीज़ रिंग दैट बेल आइकन, उस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। एंड नाउ दैट यू सी दैट द इंडिकेटर इज प्लेस्ड प्रॉपरली, आई हैव यूज्ड अ स्क्रू ड्राइवर टू फिट इट। आई विल बी गोइंग अहेड एंड इंस्टॉलिंग द लॉकिंग और द रिटेनिंग प्लेट। इट्स अ फाइबर और अ प्लास्टिक मेड प्लेट, आई हैड टू बाई दिस फ्रॉम यामाहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर लग चुका है अपनी जगह पे। अब हम प्लास्टिक प्लेट जो रिटेनिंग प्लेट है उसको लगाएंगे, और जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है लोड रेजिस्टर। कंपनी लोड रेजिस्टर देता है आपको ताकि हाइपर फ्लैशिंग ना हो। द बॉक्स ऑल्सो कंटेन्स द लोड रेजिस्टर एंड आई रिमूव्ड इट बिकॉज आई वुड बी एनीवेज चेंजिंग द फ्लैशर रिले। लाइक यू ऑब्जर्व आई पास द वायरिंग थ्रू दिस प्लेट एंड देन पुश इट इन टू प्लेस। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने वायर को पहले उस प्लेट के थ्रू पास कर लिया है, और उसके बाद हम प्लेट को जगह पे बिठाएंगे। जगह पे बिठाना बहुत इजी है, रबर के दो माउंटिंग होल्स हैं बेसिकली जो स्क्वायर शेप में होते हैं, उनके थ्रू प्लेट को लगा देना है या पास कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं स्क्रू ड्राइवर से धकेल के अपनी जगह पे लगा दूंगा। इट्स रिलेटिवली ईजी टू इंस्टॉल द रिटेनिंग प्लेट, वी जस्ट नीड टू पुश इट इन टू द रबर माउंटिंग होल्स एंड दैट शुड बी इट। एंड दैट्स वॉट इट लुक्स लाइक आफ्टर इंस्टॉलेशन। लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, दूसरे तरफ का भी लगा लेंगे। मैंने कैमरे में नहीं शूट किया बट मैंने दूसरे तरफ का भी लगा लिया। Although I did not capture it on the camera, but I fixed the other side as well, and the process remains the same. दोनों तरफ बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइड्स दो लेफ्ट एंड राइट होने वाला है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ के इंडिकेटर के जो कलर कोड्स है वो अलग है, एक के तरफ ब्राउन होगा एक के तरफ ग्रीन होगा। सो द कलर कोड्स ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट वुड बी डिफरेंट, वन इज डिनोटेड बाई ग्रीन एंड अनदर साइड इज डिनोटेड बाई ब्राउन। दैट इज एग्जैक्टली हाउ द स्टॉक सिस्टम ऑल्सो इज कलर कोडेड। सो दैट इज़ दी LED फ्लैशर और दी LED इंडिकेटर बॉक्स। ये LED इंडिकेटर का बॉक्स है, आप पार्ट नंबर नोट कर सकते हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दी पार्ट नंबर। नाउ वी कम टू द रियर एंड ऑफ द बाइक एंड वी आर यूजिंग द सिमटैक LED। सिमटैक LED कम्स इन दिस पैकेजिंग विद अ वारंटी कार्ड, इट्स मेड इन इंडिया एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, यू कैन यूज इट ऑन एनी ऑफ द मोटरसाइकिल्स, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। पीछे वाले लाइट के लिए हमने सिमटैक LED यूज किया है हमारे ग्लैडिएटर पे। इसका कॉस्ट है अराउंड 700 rupees फॉर 4 pieces, उसमें से सिर्फ दो यूज होने वाले हैं, दो एक्स्ट्रा रख दीजिए, कभी आगे चल के काम आ सकता है आपको, कभी एक खराब हुआ तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। नोट कीजिए कि हमारे जो बाइक्स का बल्ब है उसमें क्रॉस पिन रहता है, सो जब आप ऑर्डर करेंगे तो क्रॉस पिन ही ऑर्डर कीजिए। मेक श्योर यू ऑर्डर दी क्रॉस पिन बल्ब्स फ्रॉम सिमटैक। दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रेट पिन वन दैट वोंट फिट आर मोटरसाइकिल्स एंड द लिंक टू बाय दीज बल्ब्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द लिंक्स दैट आर यूज्ड इन दिस वीडियो।
Now we come to the last part where we would be replacing the flasher relay of the motorcycle. In Gladiator, it sits under the rear seat, so we have to remove the seat. Please pardon the cut on the seat cover that was done by a jealous neighbor of mine. तो हम रियर सीट को निकालेंगे क्योंकि जो फ्लैशर रिले हमको रिप्लेस करना है वो पीछे वाले सीट के नीचे होता है. और अब हम देख लेंगे यहाँ पे है हमारा फ्लैशर रिले. दिस इज द ओरिजिनल फ्लैशर रिले. वी हैव टू जस्ट रिप्लेस इट विद अ रिप्लेसमेंट, अ डिजिटल फ्लैशर रिले दैट विल स्टॉप द हाइपर फ्लैशिंग. हाइपर फ्लैशिंग क्या होता है? हाइपर फ्लैशिंग होता है जब आप एलईडी का कोई इंडिकेटर लगाते हैं तो बहुत तेजी से ब्लिंक करने लगता है. उसको रोकने के लिए इस फ्लैशर को चेंज करना जरूरी है. सो वी आर बेसिकली रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वन विद डिजिटल फ्लैशर रिले दैट विल स्टॉप द हाइपर फ्लैशिंग एंड देयर इज द परफॉर्मेंस आफ्टर एवरीथिंग इज डन. My motorcycle already had the hazard switch pre-installed. मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था hazard switch. So ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखेगा सब कुछ लगने के बाद. If you have watched the video till here, I hope you really liked it. And if you did, do give it a thumbs up. And if you're new to the channel, don't forget subscribing. अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए. अगर कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. हैव अ नाइस डे.